तो आज हम लोग बनाने वाले सीक्रेट इलीगल रूम, क्योंकि हमको बचना एक बाउंटी हंटर से। तो देखते कि कौन सबसे ज्यादा इलीगल सीक्रेट रूम बनाता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक के देखते हैं ना। तो आज हम लोग आ चुके मेयर टाउन में, और आज हमको मेयर ने दिया एक चैलेंज कि हमको यहाँ पे बनाना है एक सीक्रेट रूम, और जो भी जीतेगा उसको मिलेगा 1,00,000 रुपए। अरे भाई, मेयर भिखारी कुछ नहीं देने वाला यार, 1,00,000 देने की औकात है उसकी यार, उसकी चड्डी तक बिक जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे हमको सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला है, और यहाँ पे उसके बाद आने वाला एक बाउंटी हंटर, और उसको मिलेगा पूरा 1 घंटे का टाइम, और उसने जिसका सीक्रेट बेस एकदम आखिरी में ढूंढा तो वो अभी यहाँ पे जीतने वाला है 1,00,000 रुपए। यार लेकिन बाउंटी हंटर है कौन? अरे बाउंटी हंटर के बारे में तो भाई मुझे भी नहीं पता, और बाउंटी हंटर जो भी है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, और हमको जो अपना सीक्रेट बेस बिल्ड करना है ना, वो इस मेयर टाउन के अंदर ही करना है, और हम इससे बाहर कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। और तो अभी यहाँ पे टाइम पास मत करो और अपना सीक्रेट बेस बनाना स्टार्ट करो। चलो चलो यार जल्दी, मैं तो जा रहा हूँ बनाने के लिए। यार मैं तो बनाऊंगा एकदम खतरनाक, डर जाएंगे सब लोग। तो चलो यार, मैं अपने घर में आ चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यार वो बंकर बनाऊं कहाँ पे यार, सीक्रेट बेस भी मुझे बनाना है, क्योंकि यार मैं जानता भी नहीं वो कौन सा राक्षस आने वाला है मारने के लिए। और यार 1,00,000 रुपए मिल रहे यार इस बार, तो यार इस बार तो मुझे कैसे भी करके जीतना ही होगा यार। मेयर टाउन में घर तो मेरा पीछे की तरफ है टाउन के बाहर, तो एक काम करता हूँ, मेयर ही अपना दोस्त है बचा हुआ तो इसके घर पे बनाता हूँ मैं कुछ। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं पहले और देखना पड़ेगा क्या क्या बना सकता हूँ। तो अब देखो, यहाँ से डैश और फ्लिक तो जा चुके हैं, और यहाँ पे सबको मिला एक फिक्स बजट। और देखो यार, ये रहा मेरा वॉलेट, और सिर्फ आखिरी के $500 यहाँ पे बचे मेरे पास इस मेयर टाउन में। और हाँ यार, उससे पहले मैं तुम बता दूं कि अभी यहाँ पे हम लोग का खुल चुका है नया मेयर टाउन, और यहाँ पे देखो हर किसी के फेस के अकॉर्डिंग उसका घर है, और ये वाला फ्लिक का है, और ये वाला मेरा है, और एकदम दूर में तुम्हें दिख रहा होगा डैश का। लेकिन यार एक मिनट, ये वाला और ये वाला किसका? एक काम करो भाई, तुम लोग मुझे कमेंट बताओ कि भाई ये वाला और ये वाला किसका है, और जिसका आंसर राइट होगा उसको मिलेगा हार्ट। और साथ में मुझे ये भी बताओ कि भाई तुमको ये मेयर टाउन कैसा लगा है, और तुम इसको रेट कर सकते हो 10 out of 10। तो एक काम करते हो, पहले तो मैं चलता हूं भाई अपने घर के अंदर। और देखो वैसे भी अभी यहाँ पे हम लोग के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे सीक्रेट रूम बना चुके हैं, मैंने डैश और फ्लिक तीनों नहीं। या तो अगर तुम लोग ने नहीं देखे वाले वीडियोस तो जाओ जल्दी देखो। तो काम करते हो, मैं तुमको पहले दिखाता हूं ये वाला चेस्ट। और देखो इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पे बहुत सारे इलीगल आइटम्स जिनकी मदद से मैं बना सकता हूँ। उसमें से एक तुमको एग्जांपल देता हूँ कि देखो भाई, ये तो तुमको दिख रहा होगा नॉर्मल सा बेड, और देखो इसमें कुछ ऐसा अलग भी नहीं है, लेकिन अभी तुमको दिखाता हूं भाई इसका कमाल। ये देखो क्या सही खुला है, और यहाँ पे मैं नीचे अपना सीक्रेट रूम बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन यार देखो, ये ना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, और ये तो शायद भाई जो हम लोग का बाउंटी हंटर है ना यार, उसको पता ही चल जाएगा। और अगर तुमको जानना है कि बाउंटी हंटर कौन है तो इस वीडियो को एंड तक के देखते ना भाई, बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन यार मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे डैश और फ्लिक कर क्या रहे होंगे यार। कम्युनिटी हॉल सबसे गजब लग रहा है मुझे, लेकिन एक सेकंड पहले देख लेता हूँ मैं अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे लगता है सही नहीं रहेगा यार, कोने कोने तक की बुक्स है, तो यार शक होना ही है, यहाँ पर बना सकता हूँ कुछ। इसको भी छोड़ते हैं, और एक काम करता हूँ पहले अंदर चलता हूँ और कुछ देखता हूँ पहले। यार एक तो ये भी नहीं पता बाउंटी हंटर है कौन, तो यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है भाई, कोई खतरनाक बाउंटी हंटर आया तो भाई बेकार हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ पे बाउंटी हंटर का टाइम वेस्ट करूँ भाई, उसको पूरा 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है यार, इतने टाइम में तो ढूंढ लेगा। लेकिन अगर मैंने उसका टाइम वेस्ट कर दिया तो भाई तब तो कुछ नहीं कर पाएगा। और देखो वही चीज के लिए मैं आज यूज करने वाला हूँ ये सब आइटम्स जो कि इन सब चेस्ट में। और देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बेड का तो यूज कर रखा है, तो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ कि चेस्ट का यूज कैसे करते हैं। मैं पहले रखता हूँ भाई एकदम बॉटम में इस वाले चेस्ट को। और भाई एक मिनट, कुछ तो हुआ। ओ भाई एक मिनट, ये कहाँ आ चुका हूँ मैं? अरे यार ये तो मैं इस वाले फ्लोर में आ गया। अरे भाई देखो, अब मैंने यहाँ पे पूरे चेस्ट को लगा दिया है, और जैसे वो खोलेगा तो भाई यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा नीचे वाले फ्लोर में। और पहले ना मुझे इस वाली जगह को यहाँ पे पैक करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इधर से कहीं खोदना चालू करता हूँ। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ से नहीं खोदना चाहिए यार, ये तो एकदम गेट के सामने हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। एक काम करता हूँ ऊपर जाके देखता हूँ। और एक मिनट यार, ऊपर क्यों आ गया मैं? और देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया भाई पूरे के पूरे ब्लॉक्स। यार उसको बिल्कुल नहीं पता चलने वाला कि यहाँ पे कोई सीक्रेट रूम भी है। और अभी मैं चलता हूँ जल्दी से बाहर, और तुमको दिखाता हूँ कि भाई इस वाले पेड़ का कमाल। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जस्ट अपने बेस के बाजू में लगाता हूँ, बस मुझे यहाँ पे इसको प्लेस करना है। और देखो अब तुम लोग यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं बता सकते हो। और अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि भाई ये काम कैसे करता है। और तुमको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे बटन, यार बस मुझे इस चीज को यहाँ पे प्रेस करना है। और भाई देखो एक मिनट, ओ भाई ये पेड़ ही पूरा गिर चुका है। मुझे तो बुक सही जगह लग रही है यार, सीढ़ियों के नीचे बेस्ट होगा। तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा तोड़ के देखता हूं ये कोना सही लग रहा है। यार यहाँ पर अच्छी खासी जगह है यार, यहाँ पर कुछ बना सकता हूँ मैं। यार मैं तो सोच रहा हूँ यार ये वाली जगह कुछ ज्यादा सही होगी यार, ये वाले एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ मैं तोड़ तोड़ के, जिसके यार कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि भाई यहाँ पे रूम भी है। क्योंकि यार मैं कुछ ऐसे एक दो आइटम लेके आने वाला हूँ जो कि यार कोई देख के बता ही नहीं सकता है कि यहाँ पे जगह होगी। और आखिरकार अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं तुमको बताऊँ कि यहाँ पे मेरा रियल सीक्रेट रूम कहाँ पे होने वाला है और क्या होने वाला है। यार देखो तुमको ये स्टेयर्स दिख रहा है ना, तो बस भाई मैं स्टेयर्स को कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मैं इसको खोलने वाला हूँ, और उसके बाद इस पूरी जगह को हम लोग यहाँ से पैक कर देंगे चारों साइड से, कि ताकि यहाँ पे हम लोग रूम बना पाए। और उस रूम के अंदर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ बहुत सारे टीवी, बहुत सारे गेम और भी अलग अलग आइटम। और बस वही चीज के लिए मुझे यहाँ पे मिले $500। और अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे सुपर मार्केट में जो कि अभी अभी यहाँ पे मेयर ने खोला हुआ है। तो यार फाइनल हो चुका है, मैं अंदर ही बनाऊंगा सब कुछ अपना सेटअप। और मैं सोच रहा हूँ अपने सीक्रेट सेटअप पर एकदम RGB लाइट वगैरह सब लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यार मेयर के नए मार्केट में जाना पड़ेगा, जल्दी जाता हूँ मैं। और इस बार तो यार 1,00,000 रुपए मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि यार इस बार इनको पता चलेगा कि फ्लिक एम्पायर किस खेत की मूली है। यार
यार अभी तक तो डैश और राहुल ने पता नहीं क्या क्या बिल्ड कर लिया होंगे यार, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से जाके भागते हुए खरीद के ला लेता हूँ। और उसके बाद ये रहा भाई यहाँ पे नया नया खुला हुआ सुपर मार्केट, और देखो यहाँ पे तो मेयर का नाम भी लिखा हुआ एम, और देखो यहाँ पे तो मेयर का लोगो है। अरे यार भाई रहने दो अभी, तो देखो मैं पहुंच चुका हूँ। और क्या आलीशान बनाया इसने, रजत दलाल काम कर रहा है यहाँ पे, तेरा हिसाब किताब मैं लपेटूंगा अभी, बहुत देर प्यार प्यार से कर लिया। और देखो भाई ने बोला है तो कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा। और देखते हो कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है मेयर ने, जो काम करते एक तो भाई मैं रख लेता हूँ यहाँ पे PS5। ऑल राइट भाई देखो, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के पीसी पूरा बिल्ड करके रखा है इसने, और अभी मैं यहाँ पे लूंगा ये व्हाइट वाला पीसी। और देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की टीवी है, और देखो भाई शायद ना इसके अंदर भी माइनक्राफ्ट ही प्ले हो रहा है। यार क्या खतरनाक स्टोर है यार ये, यहाँ पर देखो क्या क्या है। और रजत दलाल भाई, अरे भाई 36 बिरादरी। और यार यहाँ पे यार सही सही चीजें तो है भाई, और मुझे फ्रिज ढूंढना था वैसे तो। फ्रिज किधर है यार? उधर साइड में होगा शायद, जाके देखता हूँ मैं पहले तो। यार ब्लैक वाला PSBN के पास में PS5 का दोनों वेरिएंट है, और ये मॉनिटर सेटअप भी अच्छा, और ये भी रख लूंगा मैं। और राहुल और फ्लिक क्या कर रहे इधर? और देखो यहाँ पे क्या क्या आइटम रखे हुए हैं, और देखो उसमें से एक है भाई मैकेनिकल बेयरिंग, इसका नाम है सीक्वेंस गियर शिफ्ट। यार भाई क्या फालतू के नाम है। और देखो यहाँ पे मुझे मिल चुका है मोटर, और इसका नाम है सुपर ग्लू, और इसी की मदद से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ स्टेयरकेस वाला सीक्रेट रूम। और अब ना मैंने यहाँ पे पूरी चीजें बाय कर लिया है। और देखो एक मिनट यार, यहाँ पे तो डैश और फ्लिक भी आ चुके हैं। और देखो यार अब मैंने यहाँ पे बिलिंग कर लिया यार, लेकिन यहाँ पे मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो चुका है, और पूरे के पूरे $500 जा चुके हैं। और यहाँ पे बस मेरे पास 10 मिनट का टाइम बाकी है। और भाई अभी यार ये डैश और फ्लिक तो भाई अंदर पता नहीं क्या क्या खरीद रहे। तो यार आ चुका मेयर के घर पर, और ये रहा अपना सब कुछ ला लिया मैंने भाई काम का सामान। ये देखो ये यहाँ पर मुझे लगाना है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी लगानी पड़ेगी, बाद में छुपा दूंगा सबको। और ग्लू वगैरह भी है वो भी लगा देता हूँ, और अंदर साइड से भी एक मोटर लगेगा। तो काम करता हूँ पहले ना मैं इसको पूरा चारों साइड से पैक करता हूँ, और फिर तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। और देखो आखिरकार यहाँ पे मैंने इसको पूरा चारों साइड से पैक कर लिया है, और अभी मैं तुमको दिखा दूँ। देखो यहाँ पे मैंने अपने लिए रूम भी बना लिया है, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि यार मैं यहाँ से तो अंदर नहीं आऊंगा ना, तो अभी देखो मैं यहाँ पे पहले तोड़ने वाला हूँ याला स्टेयर्स, और उसके बाद यहाँ पे शायद मुझे एक बारी और इसको तोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले मुझे लगाना है यहाँ पे क्रिएटिव मोटर, और फिर मुझे यहाँ पे लगाना है गियर शिफ्ट, और आखिरी चीज था बेयरिंग। और देखो बस अभी मुझे इसके ऊपर चिपकाना है ये वाले स्टेयर्स को, और बाकी के स्टेयर्स को मुझे यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ सुपर ग्लू, और फिर मैं लगाऊंगा इसके बाजू में स्टेयर्स। लेकिन अभी तुम लोग सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं तुमको दिखा दूँ ये काम कैसे करता है। और देखो आखिरकार यहाँ पे मुझे एक बटन मिला है बहुत मुश्किल से, और इसको लगा देता हूँ इसमें। और देखो ओ भाई क्या खुला है भाई, देखो हमारे पास कितनी ज्यादा अच्छी जगह हो चुकी है। और देखो यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता है कि स्टेयर्स के नीचे में कुछ हो सकता है। तो काम करता हूँ इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, और भाई एक मिनट यार ये कहाँ घुस गया। अच्छा भाई देखो इसको ना मुझे और कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, नहीं। और देखो आखिरकार यहाँ पे मेरा सीक्रेट डोर तो बन चुका है, जो कि हमको लेके जाएगा मेरे सीक्रेट रूम में। तो यार मैं इसको एक बार तुमको खोल के दिखाता हूँ, और देखो यहाँ पे मैं आराम से अंदर आ सकता हूँ, और बस यहाँ पे 4-5 सेकंड के बाद खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा भाई, एकदम सिंपल, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यार देखो मैं इसको ऐसे खुला तो नहीं रख सकता हूँ ना, और देखो इसके लिए ना बस मुझे यहाँ पे इसका बटन तोड़ना है, और मुझे इसके ऊपर लगाना है ये रेडस्टोन लिंक, और फिर उसके बाद हमको इसको बताना है कि हम कौन से वाला ब्लॉक यूज करने वाले। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्टोन ब्रिक, और मुझे यही सेम चीज कहीं और पे बनाना पड़ेगा। तो काम करते हैं ठीक इसके लाइन पे मैं यहाँ पे खोदता हूँ इसके बॉटम में, और यहाँ पे इसको लगाना स्टार्ट करता हूँ। और देखो बस ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे काम हो चुका है, और एक काम करता हूँ बस स्टेयर्स को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे अभी सब कुछ पूरा क्लीन हो चुका है, और अगर अभी मुझे घुसना है अपने सीक्रेट रूम के अंदर, मुझे आके इस वाले बटन को दबाना पड़ेगा। और देखो कितने आसानी से खुल चुका है, और बस अभी यहाँ पे आखिरी 2 मिनट बाकी है। तो एक काम करता हूँ जल्दी से मुझे जो कुछ भी लगाना है लगा लेता हूँ, और भाई अभी तक के शायद डैश और फ्लिक का भी कुछ ना कुछ तो बन गया होगा। तो यार आखिरकार मेरा बेस बन चुका है, ये देखो भाई इससे खतरनाक किसने बनाया होगा आज तक के भाई, ऑटोमेटिक बंद होता है, और अंदर गेमिंग रूम देखो यार क्या बना के रखा हो मैंने। तो यार ये मेरा बेस पूरा बन चुका है, और यहाँ पे बस मुझे एक टीवी रखनी है, तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। और यार इसको देख के तो कोई बोल ही नहीं सकता है बाहर से कि यार कोई इसके अंदर सीक्रेट बेस होगा, लेकिन ये देखो यार अगर मैं बटन दबाऊंगा तो यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ, यार क्या बात है सही यार। और देखो मैंने यहाँ पे चेयर लगा दी अपने पांडा शेप वाली, और उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा मॉनिटर लग चुका है। तो काम करो जल्दी से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पीसी, और भाई काम करो तुम लोग कमेंट बताओ कि मुझे इसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए, और तुम लोग के पास कौन सा वाला पीसी है। और एक काम करो तो भाई यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लैपटॉप, और जस्ट इसके बाजू में कीबोर्ड, और बस एक आखिरी चीज जो बाकी हुआ है टीवी। और देखो टीवी लग चुका है, और भाई इसको मैं बंद चालू भी कर सकता हूँ। तो काम करो बस यहाँ पे टाइम भी खत्म हो चुका है। और यार अभी तुमको मेरा ये सीक्रेट रूम कैसा लगा तो मुझे कमेंट बताओ, और तुम इसको रेट कर सकते हो 10/10। और बस अभी यहाँ पे बाउंटी हंटर आता हूँ कुछ देर में, लेकिन तब तक मैं चलता हूँ भाई डैश और फ्लिक के बेस में। तो यार टाइम भी खत्म हो चुका है, चलते हैं सेंटर में, सब लोग मिलेंगे मुझे। और भाई देखो आखिरकार यहाँ पे पूरा टाइम कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट का, और भाई तुम लोग का बन चुका है ना सीक्रेट बेस। यार हमारा बेस बन गया इसलिए तो यहाँ पे खड़े हैं, तेरा बन गया क्या? तू बता सबसे पहले तो। अरे यार भाई मेरा भी बेस बन चुका है यार, देखो अभी यहाँ पे बाउंटी हंटर को आने को थोड़ा बहुत टाइम है यार, तो तब तक हम लोग खुद का बेस देख लेते हैं यार। तो अपना बेस कौन दिखाएगा पहले? मेरे बेस में आ जाओ यार, सबसे पहले देखते हैं डैश का भाई। भाई लेकिन यार ये तेरा बेस है कहाँ पे? यार मेयर के सर के अंदर आ जाओ यार। भाई यहाँ पे अभी तूने बेस कहाँ पे बिल्ड किया लेकिन? और देखो यहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी है यार, बहुत देर से हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं भाई, यहाँ पे तो तूने बनाया नहीं है शायद सीक्रेट बेस यार। तो भाई इसका बेस ही नहीं मिल रहा है यार, तुम लोग आंखें बंद करो पहले। अरे आंखें बंद करूँ?
अरे ले ले भाई, किया मैंने। ये देखो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हम लोग भाई क्या खुला ये भाई? सच में यार ये क्या जगह आगे? और PS5 भाई क्या बात है यार, GTA अच्छा है। और भाई यहाँ पे तो काम भी करते हैं। अरे भाई PS7 का आ गया, लेकिन और अब किसके लिए बेस में चलना है यार? जल्दी आओ यार, नेक्स्ट बेस मैं दिखाऊंगा तुमको। आओ तुमको दिखाता हूँ बाप लेवल का सीक्रेट बेस। अरे हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे भाई, लेकिन इसका कहीं पे बेस नहीं मिल रहा है सीक्रेट वाला। यार ढूंढ ढूंढ के बोर हो गया हूँ मैं यार। एक काम कर, टीवी ऑन करता हूँ मैं। अरे यहाँ बटन है लेकिन। अरे ये क्या हुआ? ये देखा, ये मेरा बेस, आ जाओ अंदर। भाई तो बीच में से उल गया यार। रीता कंजेस्टेड क्यों तेरा एरिया भाई? थी यार वही तो भाई, सीक्रेट बेस एक और है मेरा बंकर, वो उधर से मैं जा सकता हूँ भाई स्कैनर के साथ। तुम लोग नहीं देख सकते हो। चलो यार जल्दी बाहर आओ। यार कौन सी फालतू बातें कर रहे हैं भाई? एक काम करो, अभी तुम लोग कॉमेडी जाओ और ये फ्लिक के बेस को तुम रेट करो। तो अभी चलते भाई मेरे वाले बेस में और तुमको दिखाता हूँ भाई असली सीक्रेट बेस क्या होता है। यार आ जाए इसके घर के अंदर। फ्लिक क्या कर रहा है तू? यार मैं भी आ गया राहुल के घर में यार, देखते इसका बेस किधर है। और भाई ढूंढ के तो दिखाओ यार मेरा बेस। तो एक काम करते यार, मुझे लगता है इसके पीछे होगा, पेंटिंग के पीछे। तोड़ तोड़ पेंटिंग तोड़ यार। अरे भाई तोड़ क्यों रहा है? अरे यार कुछ भी नहीं है यार, देख लिया मैंने। मुझे तो लग रहा है बुकशेल्फ के अंदर होगा, क्योंकि यार तूने भी उधर ही लगाया था, कुछ तो इधर ही हो सकता है भाई। मैं तुझे बटन ढूंढने बोला था, फ्लिक नहीं ढूंढा तूने। यार तुम लोग के सामने था भाई बटन। अरे ये कैसे आया? अबे ये क्या हुआ यार? ये तो हो ही नहीं सकता यार। नहीं इम्पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल यार, ये कैसे खुल गया भाई? भाई देखो ये है मेरा सीक्रेट रूम। ये कैसा घर हुआ लैपटॉप है भाई? यार तो अभी चलते भाई, देखो यहाँ पे अभी हम लोग का टाइम पूरा खत्म हो चुका है और शायद अभी बाउंटी हंटर बाहर ही होगा यार। तो देखते भाई हम लोग का बाउंटी हंटर है कौन। यार विंडोज 14 चालू था अंदर तो, यार क्या हो रहा है ये सब? और यार अभी हम लोग बाहर आ चुके, लेकिन भाई बाउंटी हंटर है किधर यार? मुझे क्या पता, लेकिन एक मिनट, अरे प्लेन आ रहा है पीछे से कोई तो। और भाई अरे मेयर का प्लेन है वो। अरे भाई मेयर भी आ गया क्या? यो नाम योर बाउंटी हंटर हाजिर। अरे भाई तुम हो गए बाउंटी हंटर? यार मुझे तो लगा कोई अच्छा आदमी आएगा यार बड़ा बड़ा। तो सुनो भाई लोगों, मुझे ना मेयर का कॉल आया था और मेयर ने मुझे एक काम दिया है। तो मुझे तुम्हारे सीक्रेट बेस ढूंढना है और सिर्फ तुम्हारे पास 20 सेकंड है, तो जाओ फटाफट जाके छुप जाओ। और जिसका भी सीक्रेट बेस अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो उसको मिलेंगे 1,00,000 रुपए। ये देखो ये रहे। और सुनो, अगर मैंने काम अच्छे से किया ना तो मुझे ये वाला घर मिलने वाला है। आए कैसा घर है ये? अरे कैरी अन्ना बना दिया भाई मेरे को तो। यार डेजवर तुमने किस मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था? क्या बना दिया इसने मेरे चेहरे का? मैं तो छुपने जा रहा हूँ भाई, 20 सेकंड है, तुम लोग वहीं पर रहो। अरे भाई एक मिनट, यहाँ पे मैंने टीका क्यों लगाया? या तो काम कर तो चल तो भाई, उसकी मर्जी कुछ भी करे। तो यार मैं अभी अपने बेस के अंदर चलता हूँ और छुपता हूँ जल्दी से। और चलते भाई अंदर, और अभी बस मुझे यहाँ पे शांति से बैठना पड़ेगा। तो की गई ये तीनों तो छुप गए हैं, तो अपने काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं राहुल भाई के बेस में, क्योंकि ये पास में ही है। और एक सेकंड, यहाँ पर एक पेड़ भी है, हो सकता है उन्होंने पेड़ के नीचे छुपा रखा हो। मैंने ऑलरेडी राहुल भाई की वीडियो में देखा है कि वो पेड़ के नीचे उन्होंने सीक्रेट बेस बनाते हैं अक्सर। तो एक काम करता हूँ मैं, इस सीक्रेट बेस पे चेक करता हूँ, फटाफट मुझे बटन दबाना पड़ेंगे। चलो भाई खुल गया 100%, राहुल भाई ने इसके अंदर ही छुपाया होगा, देख लेते अपन। अरे बंद हो गया मैं। अरे भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लगता राहुल भाई ने अपने को उल्लू बनाया है। अरे भाई लगता है कि अभी तो मेरे घर के बाहर ही है। अब अपने को लगता है घर के अंदर ही चेक करना पड़ेगा। चलो घर के अंदर चेक करते हैं। इधर किधर कोई पेंटिंग में छुपा रखा है क्या? नहीं यार, इसके पीछे भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये किताबों के अंदर 100% कहीं ना कहीं छुपा रखा होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भी राहुल भाई ने सीक्रेट वो बना रखा हो। अरे नहीं यार, यहाँ पर भी कोई बटन वटन नहीं यार, कुछ भी नहीं है इधर तो। अरे एक सेकंड, ये बेड मुझे थोड़ा सा सस लग रहा है। और कैरी भाई को अभी यहाँ पे बेड मिल चुका है, लेकिन वो फेक है, हो सकता है इसके अंदर हो। अरे अरे खुल गया गाइस, 100% इसके अंदर होगा। अरे यहाँ पर भी नहीं है। अबे यार अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है, राहुल भाई ने ना अपने को चकमा देने के लिए यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ना फेक बेस बना रखे हैं। अरे यहाँ पर भी एक और स्टेयर से, हो सकता है राहुल भाई ने यहाँ का छुपाया हो। और जस्ट मेरे टॉप में अभी कैरी भाई है। अबे यार नहीं, इधर भी कहीं नहीं। पेंटिंग हटा के देखता हूँ, चेस्ट वगैरह में तो नहीं कुछ। एक काम कर, ये चेस्ट पे देखते हैं। अरे गाइस गाइस मिल गया फाइनली। अरे नहीं यार, यहाँ पर भी नहीं है यार। ये राहुल ने कहाँ पर छुपा रखा है यार, मिल ही नहीं रहा बिल्कुल यार। और अभी ना मेरे आसपास ही कहीं पे दीवारों के भी कान होते हैं, तो भाई मुझे यहाँ पे एकदम आराम से बात करना पड़ेगा। कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा यार। यार भाई मैं तो राहुल भाई के बेस से हार मान गया, मुझे इनके मार तो कोई भी कुछ नहीं मिला यार। और शायद इनको यहाँ पे कुछ नहीं मिला। और भाई मेरे घर से निकल चुके हैं शायद यार। देखो अभी मैं बाहर तो नहीं निकल सकता यार, मैं यहाँ पर टाइम पास ना करके काम करता हूँ, चलता हूँ डैश और फ्लिक के वहाँ पर, हो सकता है वहाँ पर मेरे को मिल जाए, क्योंकि ये राहुल भाई ने तो पता नहीं कहाँ छुपा रखा है। डैश फ्लिक में आ रहा हूँ। अब यार मैं किस किस में जाऊँ यार, समझ ही नहीं आ रहा है यार। ये फ्लिक का थोड़ा इधर ही दिख रहा है, अपन एक काम करते हैं इसके बेस में चलते हैं। फ्लिक भाई किधर छुपे हो भाई? यार ये फ्लिक ने भी बहुत खतरनाक बेस बना रखा है, कहाँ छुपा रखा होगा यार? अरे यार मुझे लगता है बाउंटी हंटर आ चुका है, क्योंकि यार मुझे किसी की तो आवाज आ रही है, और शायद वो अंदर आ गया। यार मुझे कैमरा लगा देना चाहिए था पहले ही। यहाँ बुक्स वगैरह के पीछे कुछ तो नहीं यार। इस साइड क्या भाई, ऊपर देख लेता थोड़ा सा मैं। बेड बेड के नीचे कुछ नहीं यार, बेड पे भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ये चेस्ट में कुछ आवाज भी नहीं आ रही भाई इनकी तो। ये यहाँ मैं फर्नेस वगैरह में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। फ्लिक भाई बाहर आ जाओ यार, तुमको मैं दूध पिलाऊंगा दूध। यार गाइस मैंने पूरा तो बेस छान लिया, लेकिन मुझे एक सेकंड,
एक सेकंड, ये टीवी के नीचे ये पिस्टन क्यों लगा हुआ है यार? मुझे लग रहा है ये टीवी के सामने खड़ा है भाई। यार एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ एकदम शांति से। यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया, ये देखो यहाँ पर बटन भी लगे हुए हैं, कुछ तो होंगे। ओए खुल गया। अरे यार भाई क्या कर दिया कैरी भाई तुमने, देख लिया यार तुमने मुझे? यार 1,00,000 रुपए हार गया मैं। अब यार कैरी भाई तुमने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन यार मैं तुम्हारी एक हेल्प करना चाहता हूँ। यार मैं भी ढूंढूंगा मैं यार तुम्हारे साथ उन दोनों को। हर जगह हक देते हो, यहाँ भी तुमने हक दिया, क्या सड़ा सा बनाया छी। यार बेस में मैंने पैसे थोड़े कम लगाए थे इस बार, लेकिन अगली बार से मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन यार अभी जल्दी से चलते हैं डैश के रूम में। तुमको मालूम है कि डैश ने कहाँ छुपा रखा अपना बेस? यार मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन मैं याद करके बता सकता हूँ। यार सबसे पहले चलते हैं वो मेयर के घर में। यार यार सच में तो वैसे मैं सब कुछ झूठ झूठ बताऊंगा अभी कैरी भाई को। चलो फिलिप भाई फटाफट बताओ यार। अरे वो इधर में कहीं था यार, इधर पीछे वाले हॉल में। नहीं यार ऊपर में था शायद। आजा ऊपर आजा यार सबसे पहले। अरे कभी हॉल बोल रहे हो कभी ऊपर बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो भाई। यार मुझे आवाज आ रही है सीढ़ियों की, यार कोई ऊपर चढ़ रहा है शायद। अरे बेड हो सकता है, तोड़ के देखो यार। नहीं यार यहाँ पे भी तो नहीं दिख रहा है कुछ। यार तुम पहले बोल रहे थे तुमको ढंग से पता है, लेकिन अब तुम बता नहीं रहे हो। कहीं तुम डैश के साथ तो नहीं मिले हुए? यार फ्लिक तुमने तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट करा, तुम मुझे झूठ झूठ बोल रहे थे। अरे यार मुझे खुद याद नहीं आ रहा है किधर था यार, मैं आया था लेकिन मैं भूल चुका हूँ यार एकदम पूरा अभी। नहीं तुम्हें कहूँ तो भाई तुम जाओ, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे भाई, जाओ तो तुम। अरे यार भाई 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 ये क्या हो गया भाई? मैं तो साफ पढ़ रहा था, ये क्या सीन था यार, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे वो तो। यार छोड़ो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। चलो ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेशन से अपना ध्यान लगा के देखता हूँ कहाँ पर होगा यार बेस, कहीं तो होना चाहिए यार। किधर ही बुक के पीछे क्या? खुल गया, पकड़ लिया। अरे कौन है? अच्छा कैरी भाई ये क्या? अरे यार कैरी भाई तुमने ढूंढ लिया मुझे यार, ये तो यार एक्सपर्ट निकले तुम, कब से ऐसा काम किए चालू? यार बस डिग्री ले रखी मैंने। चलो राहुल भाई जीत गए तुम, चलो राहुल भाई तुम जीत गए। और क्या बात है भाई, देखो मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ यार, लेकिन भाई तुमको भाई मेरा बेस यहाँ पे ढूंढना होगा। ठीक है भाई ढूंढते भाई। नहीं मुझे नहीं मिल रहा भाई। देख भाई तुमको मालूम है किधर है भाई? नहीं यार आधे घंटे हो गए नहीं मिल रहा है मुझे भी। वैसे मुझे पता है, बटन दबाओ बटन, ये वाला। और आखिरकार यार तुमने मेरा बेस भी देख लिया, तो काम करो जल्दी से बाहर निकलता हूँ और लाओ भाई जल्दी से मेरे 1,00,000 रुपए। और देखो मैं जीत चुका हूँ कॉम्पिटिशन, तो भाई मुझे कॉमेंट में चाहिए ब्लू हार्ट। ये लो राहुल भाई 1,00,000 रुपए। और यार भाई अभी तुम लोग को किसका बेस यहाँ पे अच्छा लगा? और अगर ये वाला वीडियो तुमको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।